वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। परमात्मा का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, ओह अपने आप तो उपजया है अते काल तो रहत है, जूना विच नहीं आंदा। सब दी सिरजना करन वाला ओह खुद सिरजनहार अपनी सिरजी हुई खलकत विच आप विराजमान हर मनुख पशु पंछी बनस्पति जरे जरे विच मौजूद प्रगट हुंदा है। मनुखता दे भले लई इंसान नूं इंसानियत दा मार्ग दर्शाउण लई सब तों श्रेष्ठ मनुख जूनी विच परमात्मा ने अवतारी रूप बनाया। श्री गुरु नानक देव जी दे पहरावे अंदर जिन्ना कूड़ वहमा परमा पखंडा फिरका प्रस्ती दी दलदल विच सिसकियां लैंदी मनुखता नूं बाहर कढ़न लई तुरदी बाणी दा बाण मारिया। शरीर रूपी चोला 10 गुरुआं दे रूप विच बदलदे होए दसवें जामे विच जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरगद्दी बख्शी, जो अज वी संत महात्मा दे रूप विच वारी वारी लोड़ पैण ते कई तरह दे पेस वटा के धरती उत्ते पवित्र चरणां दी छाप छड रहे हन। इसे तरह दी छाप संत बाबा कुंदन सिंह जी नानक सर वालिया ने मनुखी शरीर विच आ के छड्डी। बंदगी करन वाला नाम जपदा जपदा मनुख परमात्मा दा ही रूप हो जांदा है, जिस दी कोई जात पात नहीं रहिंदी। अजिहा संसारी मनुख परमात्मा दा नाम जप के अपना लोक परलोक सवार लैंदा है अते दूजियां लई चानन मरारा बन जांदा है। ऐसे अवतारी महापुरशां दे बोल परमात्मा दी बाणी परमात्मा दे ही बोल हुंदे हन। साडी अज दी एक फौजी दी साखी किस तरह महापुरशां ने उस दी चोली भरी, उस दे बच्चे नूं उमर बख्शी अते हर मंग पूरी कीती, एक बड़ी ही प्यारी साखी। साखी शुरू करन तो पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तो इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करना। जो चैनल ते नवे हन सब्सक्राइब भी कर लेना अते बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार एक फौजी बाबा कुंदन सिंह जी दे दर्शन करन आया। यह बड़ा ही उदास सी क्योंकि उसका वड्डा लड़का 2 साल की उम्र का सी जो कि गुजर चुका सी अते ओहो अपने दूसरे लड़के नूं नाल लैके बाबा जी दे दर्शन करन वास्ते आया सी। फौज विच छुट्टी बहुत घट मिलदी है, इस करके ओह चाहुंदा सी बाबा जी इस बच्चे दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के उसनूं लंबी उम्र बख्शन। इस नीयत नाल आ के उसने बाबा जी नूं मत्था टेकिया अते ओह पहली वारी बाबा जी दे दर्शनां वास्ते आया सी। उसने बाबा जी नूं कुछ नहीं कहा अते सारी गल उसदे मन विच ही रह गई। मत्था टेकन तो बाद बाबा जी ने उस बच्चे दी बांह फड़ लई। भाई मलकीत सिंह जी जो के हजूरी सेवा विच सन उन्हां ने बेनती कीती, बाबा जी इन्हां ने जाना है, बच्चे दी बांह छड़ दिओ। बाबा जी ने फिर भी उसदी बांह नहीं छड़ी अते भाई मलकीत सिंह जी ने बेनती कीती, बच्चे दी बांह छड़ दिओ, इन्हां ने जाना है। जदों दूजी वारी भी बेनती कीती बाबा जी ने इशारा किया कि बच्चे दी माता जी नूं फल दा प्रसाद दिओ। प्रसाद लैके ओह बाहर आ गए। भाई मलकीत सिंह जी उस वेले बर्तन साफ करन वास्ते नलके दे कोल आए सन अते की देखिया कि फौजी रो रहा सी। जदों भाई मलकीत सिंह जी ने पुछिया कि तुसीं क्यों बैराग कर रहे हो तां फौजी कहन लगा कि बाबा जी अंतरजामी हन, मैं कदे सोच भी नहीं सकदा सी, इह मेरी एक गल जान गए हन, मैं चाहुंदा सी इस बच्चे उपर वाहिगुरु अपनी कृपा रखन अते बाबा जी ने इसदी बांह फड़ लई अते मैं एक होर बच्चा चाहुंदा सी अते बाबा जी ने फल दे दिता। बाबा जी ने मेरियां सारियां ही मंगा आपे ही पूरियां कर दित्तियां हन। महापुरशां दी कथनी है हर एक जीव अपना जीवन दिन जां सालां विच नहीं लैके आउंदा, सवासां दी पूंजी लैके आउंदा है। खुदा दे विच समाए होए खुद परमात्मा दा रूप बने हुए महापुरश आने वाले समय बारे भली भांत जाणू हुंदे हन।
नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ओह परमात्मा दे हुकम विच रह के उसकी करनी विच अरदास करके बदली करवा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा नू अपने भगत प्यारे होंदे हन। भगतां दे प्यार हित ओह अपनी मर्यादा बदल दिंदा है। मेरी बांदी भगत छड़ावै, बांदै भगत ना छूटै मोहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।